कलकत्ता में आए हुए हैं एक बहुत एक्सपीरियंस कैनल जो उनका नाम है गोल्डन चैरियट कैनल और उनका ओनर है सोमनाथ दे। और सोमनाथ दा बहुत दिनों से पाक के साथ जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये पाक हम लोग पहचानते हैं एज ए वोडाफोन डॉग। जब वोडाफोन ये डॉग लॉन्च किए थे तब से ये डॉग बहुत फेमस हो गया इंडिया में। तो दादा आपका ये पाक का जर्नी कब से स्टार्ट हुआ सर? मेरा पाक का जर्नी स्टार्ट हुआ 1998 से। अच्छा, मेरा फर्स्ट पाक हम लिया थे कलकत्ता की बिल्डिंग था मिस्टर सैमुअल पाल से। तो उसका फादर था अमेरिकन इंपोर्ट चैंपियन रॉयल एडवर्ड एंड उसका मदर भी चैंपियन थी। अच्छा, वो पाक फर्स्ट हम लिया थे 1998 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वन एंड हाफ ईयर में हम उसको ब्रीडिंग किए थे लेकिन उसका प्रेगनेंसी टाइम में ही उसका डेथ हो गया। अच्छा, फिर हम सेकेंड पार्क लिया ईयर ऑफ 99 मिस्टर विश्रू गांगुली से। वो पार्क हम मेरा सेकेंड पार्क था तो उसको लेके हम ब्रीड किया। तो ब्रीड करने के बाद उसके बाद उसका जो ब्लड लाइन था वहाँ से अच्छा अच्छा पपी निकला, बहुत सारे चैंपियन भी निकला। तो इसी तरह चलता रहा। फिर मेरा थर्ड पार्क हम इम्पोर्ट किया थाईलैंड से, डबल ए कैनल से आए थे। उसका भी मेटिंग मेरा घर में हुआ, वहाँ से भी मल्टीपल चैंपियन निकला। उसके बाद फोर्थ हम सेकेंड और एक डॉग इम्पोर्ट किया, वो भी बैंकॉक से आए थे, नेकोरान्स कैनल थे, उसका नाम था नेकोरान्स स्टारलाइट। ये दोनों डॉग लाने में हमको हेल्प किया था मिस्टर सोमेन सामंत, थैंक्स टू मिस्टर सोमेन जो हमको ये दोनों डॉग हमको ला के दिया था थाईलैंड से। इसका भी बादशाह मेरे पास बहुत हुआ था, उसका भी चैंपियन दिख रहा। तो इसी तरह चलता रहा। अभी ये जो पार्क मेरे पास है ये मेरा ब्रीडिंग नहीं है, सनस्वीट कैनल का ब्रीडिंग है। अच्छा, तो इसका फादर भी कलकत्ता का एक बंदा है मिस्टर सुरोजीत देव बोल के, उसके पास है जी जी। तो निटपेसियस का ब्रीडिंग है इसका फादर जी, नितिन राजपूत का। तो इसको हम शो कर रहा हूँ जी जी। ये भी बहुत सारे लाइनअप जीता है लास्ट टू इयर्स, तो केसीआई शो बंद है। तो फर्स्ट पपी स्टेज में ऑलरेडी दो सीसी मिला हुआ है, दो चैलेंज सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है एट द स्टेज ऑफ 9 मंथ्स जी जी। और ये पाक का ब्रीडिंग आप मतलब कौन सा ईयर से आपने स्टार्ट किए हैं? कौन सा ईयर से स्टार्ट किए? हाँ हम 99 से ही पाक का ब्रीडिंग स्टार्ट किए थे। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम जैसा क्रेज था मार्केट में एक पाक का जैसे बहुत क्रेज था, तो अभी भी उतना क्रेज क्या है? अभी भी बात क्या है, जिस टाइम हम पाक चालू किए थे उस टाइम इसको पाक कम वोडाफोन डॉग ज्यादा बोला जाता था जी जी। तो वोडाफोन इसको लॉन्च करता था तो इसको देखने से ही बाहर में होता वो देखो वोडाफोन डॉग जा रहा है, वो देखो वोडाफोन डॉग जा रहा है। तो वोडाफोन को वोडाफोन ने इसको ऐसे लॉन्च कर दिया था जैसे ब्रांड नेम हो गया था वोडाफोन जी जी। तो उसी टाइम से उस टाइम पाक का बहुत क्रेज। अच्छा, उस टाइम का जो पाक का क्रेज था, जो मार्केट वैल्यू था, अभी उतना नहीं है। लेकिन अच्छा सो क्वालिटी डॉग, गुड ब्लड लाइन डॉग ऑलवेज एक टॉप क्रेज रहता है जी। और एक्चुअली देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर पाक जो ब्रीड है, अगर उसका अगर ब्लड लाइन अच्छा नहीं होगा तो उसमें बहुत सारा दिक्कतें आता है। जैसे आपका स्किन प्रॉब्लम बोलिए, आपका चाहे उसका दूसरा बहुत सारा डिजीजेज है, तो आपका जैसे लेग का प्रॉब्लम, उसका ज्वाइंट का प्रॉब्लम, सारा कुछ है। तो ये अच्छा अगर ब्लड लाइन मेंटेन नहीं करेगा कोई भी अगर ब्रीडर हो, चाहे अगर कोई भी जो जिसको नॉलेज नहीं है वो अगर इधर उधर से अगर परचेज कर लेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है पाक में? पाक का जो मेन बात है अगर ब्लड लाइन सही नहीं होगा, फर्स्ट पाक का जो कॉमन प्रॉब्लम है स्किन प्रॉब्लम जी। उसमें और एक कॉमन प्रॉब्लम है ब्लैक स्किन प्रॉब्लम। अच्छा, तो अगर जेनेटिकली से सही नहीं होगा तो स्किन प्रॉब्लम पक्का आएगा। अगर वो प्रॉब्लम ठीक से इलाज ना किया जाए तो प्रॉब्लम जिंदगी में ठीक नहीं होगा। अगर वो जेनेटिकल होगा तो ठीक हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। तो इसलिए पाक ब्रीडिंग करने से पहले 3-4 जनरेशन को देख लेना चाहिए उसमें किसी का सेम प्रॉब्लम है कि नहीं है। पाक का एक तो मेजर प्रॉब्लम है स्किन प्रॉब्लम, सेकेंड जो प्रॉब्लम है पाव का प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ मैक्सिमम पाव का पाक का आप देखिएगा कभी कभी कोई कोई पाव का स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। पाव का पाक का कभी स्टोरेज नहीं होना चाहिए, मिस्टेक पाव होना चाहिए। और जेनेटिकल का बात आप बोल रहे हैं, हाँ जेनेटिकल का बात जो है उसका कुछ गुड क्वालिटी होता है, जैसे पाक का नेल ऑलवेज ब्लैक होना चाहिए, नेल ब्लैक होना चाहिए नंबर वन। नंबर टू उसका जो रिंकल्स है, हाँ तो रिंकल्स एक तो लिमिटेड होना चाहिए, कोई कोई पाक को बहुत सारे रिंकल्स हो गए तो
उतना सारे रिंकल्स जरूरी नहीं है हम लोग का डॉग शो में बोलिए या एनाटॉमिकली, रिंकल्स होगा बट डायमंड रिंकल्स होगा जब कोई डॉग अपना एक्सप्रेशन शो करेगा उस टाइम जाके उसका रिंकल्स आएगा, नॉर्मल टाइम में ज्यादा ज्यादा रिंकल्स आएगा दैट इज फॉल्ट। सेकेंड थिंग उसका नेजल फोल्ड, पहले तो था जिस टाइम हमने पाक चालू किया था 1998-99 में उस टाइम ओवर द नोज नेजल फोल्ड था, तो अभी वो देखने से अभी वो फॉल्ट है, अभी टिप ऑफ द नोज तक नेजल फोल्ड अलाउड है, अगर ओवर नोज होगा तो फॉल्ट है, क्योंकि ये इसका जो ऑरिजिन है पाक का जो मेन ओरिजिन है चाइना से, तो ओवर नोज होने से इसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे पाक बीच में हो रहा था जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के वजह से, हम लोग का जो क्लाइमेट है सामान में इतना हीट होता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने से उसका हार्ट फेल हो जा रहा था, डेथ हो जा रहा था, तो अभी क्या किया अभी इसको थोड़ा सा हम लोग नेजल फोल्ड टीप ऑफ द नोज तक हो तो यही हम लोग मेंटेन करते हैं। जी जी जी। और आपका ये जो पाग में आपका जो शो लाइन होता है एक तो पिट लाइन होता है, ठीक है, तो आप शो लाइन कैसे डिफाइन करते हो एज ए मतलब वो रिंकल के ऊपर एज ए और दूसरा कुछ है? ओनली रिंकल के ऊपर कभी शो लाइन नहीं होता है, ओवरऑल देखा जाता है, तो ओवरऑल जो है पाग का नंबर वन उसका जो टेल है पाका बोला जाता है टू एंड हाफ नॉट टेल में होना चाहिए, टाइट कॉल होना चाहिए, तो टू एंड हाफ नॉट तो होता नहीं है, मिलता नहीं है, टाइट कॉल भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, मैक्सिमम पाका लूज टेल वन कर्ल ये होना है, कम से कम वन एंड हाफ एंड टू नॉट होना चाहिए और टाइट कॉल होना चाहिए, प्लस पॉइंट जो इसका है ऊपर से जो टॉप लाइन जो है टॉप लाइन में एक ब्लैक स्पेस रहना चाहिए, अच्छा ये पाका एक प्लस पॉइंट है। जी जी। नंबर टू हम आपको पहले ही बोला था नेल ऑलवेज ब्लैक होना चाहिए, पाक का जो नेल है नेल ब्लैक होना चाहिए, अच्छा नेल व्हाइट होने से इट्स अ फॉल्ट, अच्छा टेल टाइट कर्ल होना चाहिए, और जो है पाक का जो उसका बॉडी अभी जो है दो डिफाइंड स्टैंडर्ड है, एक है यूरोपियन इंग्लिश लाइन दूसरा है अमेरिकन, अमेरिकन डॉग थोड़ा सा बड़ा होता है पर इंग्लिश जो यूरोपियन लाइन है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, अच्छा एफ फॉर एफ सी आई स्टैंडर्ड पाक का तो बॉडी वेट होना चाहिए 8 kg से 9 kg, तो अभी देखा जाता है बहुत सारे पाक बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है 10 kg 11 kg 12 kg, तो होना नहीं चाहिए, हम लोग हम लोग इससे एफ सी आई स्टैंडर्ड में पड़ता है, एफ सी आई स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोगों का जो पाक है स्मॉल डॉग एंड कोबी होना चाहिए। अच्छा और दादा पर्टिकुलर ये जो पाग है अब जो लाइन बोले अमेरिकन एंड आपका यूरोपियन, तो ये दोनों लाइन में कैरेक्टर का कुछ डिफरेंस है? नहीं कैरेक्टर का कोई डिफरेंस नहीं है, एक तो है साइज का डिफरेंस है और ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ, अमेरिकन डॉग थोड़ा सा बड़ा होता है, अच्छा यूरोपियन जो डॉग है तो सर छोटा। अच्छा अगर ब्रीडिंग अगर कोई ब्रीडर करेगा तो उसको अमेरिकन लाइन लेना चाहिए या आपका इंग्लिश लाइन लेना चाहिए? तो ऊपर डिपेंड कर रहा है कोई स्मॉल डॉग पसंद करता है कोई लॉन्ग डॉग पसंद करता है, थोड़ा बड़ा ह्यूज डॉग पसंद करता है, तो अभी हम जो बोलेंगे अगर किसी के पास स्मॉल डॉग हो यूरोपियन स्टैंडर्ड हो तो उसको ब्रीड करना चाहिए यूरोपियन स्टैंडर्ड डॉग्स, कभी अमेरिकन स्टैंडर्ड उसको मिक्स करना नहीं चाहिए। अच्छा अगर को भी डॉग पाग है जिसके पास इंग्लिश लाइन कैरी कर रहा है तो उसको छोटा डॉग से मीटिंग करना चाहिए, यूरोपियन लाइन यूज करना चाहिए, उसका अलग लाइन यूज करने से वो मिक्स हो जाएगा। और ये अगर डॉग अगर कॉम्पैक्ट होगा तो उसका डिलीवरी के टाइम सी सेक्शन का भी आपका एक तो प्रॉब्लम आता है, आता है अगर कोई डॉग ज्यादा शॉर्ट बैक होगा फीमेल कोई ज्यादा शॉर्ट बैक होगा तो उसको डिलीवरी के टाइम सी सेक्शन का चांस ज्यादा रहता है, जी फीमेल अगर थोड़ा सा लॉन्ग होगा थोड़ा सा लॉन्ग बॉडी फीमेल होगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा। अच्छा और उसका ऊपर से जो है कभी कभी देता है कोबी होने से ही सीजरियन होगा वो नहीं है, एक्चुअली टोटल प्रेगनेंसी पीरियड में एक तो मेंटेनेंस का एक तो एक्सपीरियंस एक तो एक्सपर्ट एडवाइस का जरूरत है नंबर वन, नंबर टू थोड़ा सा आफ्टर कंसीव फीमेल को थोड़ा सा वॉक करवाना चाहिए प्लेन लाइन में थोड़ा वॉक करना चाहिए, कोई अगर हम मेटिंग करवाया उसके बाद उसको केज में डाल के रख दिया तो जाकर सी सेक्शन होगा ही होगा, डॉग को नॉर्मल एक्सरसाइज में रखना होगा आफ्टर कंसीव। अच्छा और ये जो आप बोले एक तो इंग्लिश और एक तो अमेरिकन, अच्छा केसीआई सर्टिफिकेट में ये कोई कुछ मेंशन रहता है? हम लोग का केसीआई एफसीआई स्टैंडर्ड तो वो लोग कैसे समझेगा ये अमेरिकन है या अगर कोई ब्रीडर अगर मिक्स कर दिया तो वो मतलब कैसे समझेगा? देखिए जो उनको तो फर्स्ट टाइम कोई नॉलेजेबल पर्सन से एडवाइस लेना चाहिए जो नॉलेज रखता है पाक कर रहे हैं, जो बहुत दिन से पाक ब्रीडिंग कर रहा है, रेपुटेड पाक ब्रीडर है और रेपुटेड पाक हैंडलर है, उनसे एडवाइस लेना चाहिए कि कैसा डॉग उनको लेना चाहिए, और उन ब्रीडर से लेना चाहिए। अच्छा
और ये पाक का खान पान के बारे में, ये आप लोग क्या होम फूड देते हो या आपका बाहर का फूड? पहले देखिए, जब हम पाक स्टार्ट किए उस टाइम ड्राई फूड बोलते क्या होता है कोई जानता ही नहीं, ड्राई फूड होता ही नहीं जी। फर्स्ट टाइम यहाँ रॉयल कनाई लॉन्च किया था ड्राई फूड, तो हम लोग जब पाक स्टार्ट किया उस टाइम हम लोग होम मेड फूड ही देते थे, कोई ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास। अभी हम लोग के पास बहुत सारे डॉग फूड का ऑप्शन है, खाली रॉयल कनाई नहीं, बहुत सारे डॉग फूड है, इंडियन मेड है, फॉरेन मेड है, तो अभी हम लोग ड्राई फूड ही यूज करते हैं। अच्छा, होम मेड फूड अभी यूज नहीं करते। जो मेरा ये डॉग है ये टोटली ड्राई फूड का ऊपर है। अच्छा, ये होम मेड फूड नहीं करता। और ये जैसे लार्ज ब्रीड एक तो खाने में बहुत ये शौकीन होता है और एकदम प्यार से खा मतलब ये करता है, लेकिन छोटा ब्रीड में देखा जाए वो लोग मतलब खाना ठीक से नहीं खाता है बहुत सारा छोटा ब्रीड में, एक तो ये एक प्रॉब्लम है। पाक का भी एक कॉमन प्रॉब्लम। अच्छा, पाक का क्या है, बहुत चूजी होता है। आज ये फूड खाएगा तो कल वो फूड नहीं खाएगा जी। अगर कोई नॉविश होगा तो उनको डे बाई डे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ऑफर करे, तो हम लोग तो ऐसा करते नहीं है, हम लोग एक ही ब्रांड का फूड उसको देते हैं, थोड़ा हम लोग जज करते हैं जो क्यों नहीं खा रहा है। अच्छा, तो हम लोग उसको बचपन से ऐसे ट्रेनिंग देते हैं जो उसको खाना में अगर कोई प्रॉब्लम करे तो थोड़ा सा एंजाइम वगैरह देता है कि क्यों खाना नहीं कर रहा है, कोई एंजाइम, कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, या कुछ एसिडिटी हो रहा है तो देखते हैं हम लोग, अगर वो होता है तो हम थोड़ा एंटासिड देता है, थोड़ा एंजाइम देता है, उसके बाद नॉर्मल खाना खा लेते हैं। लेकिन पाक एक तो टाइम आता है आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स, वो लोग चाहता है आप उसको हैंड फीड कीजिए। अच्छा, तो हम लोग कभी हैंड फीड करते हैं, उसको फूड ऑफर करते हैं, वो अगर ग्लैडली उसको ले ले रहा है तो ठीक है, अगर नहीं ले रहा है हम लोग फूड हटा हटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको भूख लगेगा तो फूड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फूड ऑफर करते हैं, वो ठीक खा लेते हैं। मैक्सिमम नॉविस डॉग ओनर जो है वो ये टाइम खाना नहीं खाया, ठीक है बाबा छोड़ दो, अभी थोड़ा सा चिकन डाल दे, अभी थोड़ा सा मटन दे दे, ठीक है वो पेडिग्री नहीं चुराल कर नहीं खा रहा है, हील्स दे दे, नहीं खा रहा है तो एनएनडी खिला दे, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। मतलब आप बोल रहे हो डॉग फूड जो भी ब्रांड का आप यूज करते हो वो डॉग फूड ब्रांड चेंज करना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, जो ब्रांड आप वो पहले से स्टार्ट किया है बचपन से पापी स्टेज से वही ब्रांड को फॉलो कीजिए जी। और दादा और एक बात है, हाँ हाँ, होममेड फूड एंड ड्राई फूड ये दोनों को मिक्स करना नहीं चाहिए। अगर आप होममेड फूड में डालना चाहते हो तो होममेड फूड में डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ड्राई फूड नहीं था तो हम लोग का डॉग होममेड फूड में ही था, हम लोग का सो डॉग भी होममेड फूड में ही था जी जी जी। तो अभी ऑप्शन आया है ड्राई फूड का, ऑप्शन आया है, आदमी के पास टाइम कम हो गया है तो इसलिए हम लोग ड्राई फूड दे रहे हैं। मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो अगर आपको ड्राई फूड में रखना है तो ड्राई फूड पे ही रखो, और अगर आपको होम फूड में रखना है तो होम फूड में ही रखो, बट दोनों को कॉकटेल मत और आपको कभी मिल्क प्रोडक्ट मत, जैसे आपका जैसे आपको पनीर हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, दही दही चलता है, दही दे सकते हैं आप, कोई ड्राई फ्रूट के साथ भी दही दे सकता है, बट वो खट्टा दही आप दे सकते हैं, मीठा दही नहीं, नहीं मीठा दही तो आप खट्टा दही आप दे सकते हैं, खट्टा दही दे 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 क्योंकि आपका एक तो इंडाइजेशन एंड एसिडिटी प्रॉब्लम ये लोगों का है, इसको आपको मेंटेन करना होगा। अगर कोई आप मिल्क प्रोडक्ट दे देते हो ना तो इसका एसिडिटी हो जाएगा, फिर जाके वो नेक्स्ट खाना नहीं खाएगा, लूज मोशन होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। अच्छा, और इसका गैस प्रॉब्लम भी तो बहुत है, रेगुलर एक्सरसाइज में नहीं रखिएगा, रेगुलर उसको एक तो मतलब एक तो खेल कूद के अंदर नहीं रखिएगा तो उसका गैस का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उसका गैस का प्रॉब्लम होगा, फिर उसका ट्रीटमेंट है, हम लोग एकदम उसको शाम शाम हम लोग एंजाइम दे देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज रखना होगा, आपको कोई एक्सपर्ट हैंड से आपको बातचीत करना होगा अगर आपको नॉलेज ना हो। जी जी जी। और दादा एक तो देखा जाता है पाक का अगर ओवरवेट हो जाता है तो उसका एज ए उसका जो लेग्स है मतलब उसका पैर का ये थोड़ा एकदम मतलब पतला हो जाता है, ऊपर का पोर्शन भारी हो जाता है, उसको चलने में तब दिक्कत होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, तो पाक ओवरवेट क्यों हो जाता है? पाक ओवरवेट हो जाता है ओनर के वजह से। हम लोग क्या करते हैं उसको सुबह कोई कोई है छेना दे देते हैं, दोपहर को चिकन राइस दे दे, रात को ड्राई फ्रूट दे दे, तो अभी क्या होता है पाक का एक तो फिक्स डाइट होता है, आप ज्यादा खिलाएंगे तो ओवरवेट होगा, एक्सरसाइज नहीं देंगे तो ओवरवेट होगा, और ओवरवेट होने से उसका लॉन्जेविटी कम हो जाएगा, उसका चलने फिरने भी दिक्कत होगा। अच्छा, तो कुछ साल बाद वो उसका पाव का प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, पाक को ओवर डाइट नहीं करना चाहिए, टोटल एक तो फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर रखना चाहिए, और आपके पास अगर टाइम नहीं हो ना हो एक्सरसाइज देने का तो उसको एकदम ऐसा फीड दीजिए जैसे उसका जितना उसको जरूरत है। अच्छा, हम लोग जो ड्राई फ्रूट देते हैं तो डॉग को 100 ग्राम्स टू 120 ग्राम्स फूल ऑफ द डे, होल डे में 120 ग्राम वो ड्राई फ्रूट हम लोग देते हैं, 60 ग्राम करके दिन में 2 बार देते हैं। अच्छा, या 35 ग्राम या 40 ग्राम करके दिन में 3 बार देते हैं। अच्छा,
आप इसको गीला करके भी दे सकते हैं, ड्राई भी दे सकते हैं, आपका फुट आप इसको पानी दे दीजिए बोल रहे। अच्छा, और आपको कभी जमीन में खाना देना नहीं चाहिए, ऑलवेज स्टैंड का ऊपर खाना दीजिए, मतलब ब्रीदर्स लेवल पे, एकदम ब्रीदर्स लेवल पे उसको फुट दीजिए स्टैंड के ऊपर, क्योंकि अगर आप जमीन लेवल पे खाना देते हैं तो उसका तो अगली फेस है, तो उसका नोक में नोस में लग जाएगा, उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, उसका पाव बैठ जाएगा, इसलिए उसको ऑलवेज स्टैंड के ऊपर खाना देना चाहिए। जी जी जी। और एक तो बात है क्या, रिंकल के वजह से ये लोग का साफ सफाई भी बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि रिंकल में क्लीनिंग है। हाँ हाँ, जैसे आपको दिखा रहा हूँ ये जो नेजल फोल्ड है, हाँ इसका जो अंदर है ये, हाँ इसको आपको कॉटन से या टिश्यू पेपर से इसको रेगुलर साफ करना होगा। अच्छा, इसका आइस में रेगुलर इसमें जैसे एक तो पानी आता है, तो इसको भी आपको टिश्यू पेपर या कॉटन से रेगुलर क्लीन करना होगा। जी 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 जी। ये इनको रेगुलर करना, पाक का ये क्लीनिंग जरूरी है। जी 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 जी। और आफ्टर फूड इसका मुंह साफ करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप नहीं कीजिएगा तो यहाँ एलर्जी का माफी निकल जाएगा, दाना दाना निकल जाएगा इसका। अच्छा, इसलिए आफ्टर फूड इसका मुंह प्लस अच्छे से साफ करना है। जी 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 जी। और जो हम लोगों का जो कलकत्ता का क्लाइमेट है, अभी समर आ रहा है, तो समर में ये लोगों को एसी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एसी में रखने से ये लोग ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। अच्छा, अगर विदाउट एसी आप रखिएगा तो पंखा का नीचे रखना होगा, रेगुलर आपको इसको ड्राई बाथ देना होगा, रेगुलर इसको क्लीन करना होगा, तो आप जाके ये कम्फर्ट रहेगा। अच्छा अच्छा, दूसरा ब्रीड से ये पाक का जो आईज है थोड़ा सा बड़ा है, तो आईज के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ये लोग का आईज में भी बहुत फंगल इन्फेक्शन भी होता है। राइट, क्या है वही हम पहले आपको बताया, आईज से एक पानी आता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, ये लोगों का एक तो जो नेल है ये रेगुलर आपको ट्रिमिंग करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अपना नाखून से अपना मुंह पे उसको इचेस करे, इचेस करता है, इसलिए आपको नेल को ट्रीम करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस लोगों का बाइजिंग आइस है, तो आइस में एक बार नाखून लग जाएगा तो उसका आइस तुरंत वाइट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए बाल थोड़ा सा डेलिकेट ब्रीड है, इसको एकदम सावधानी से रखना पड़ता है, इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस है, स्मॉल ब्रीड है बट मेंटेनेंस थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। अच्छा, और ये लोग का ब्रशिंग कितना जरूरत है? रेगुलर ग्रूमिंग करने से अच्छा है, क्योंकि ये लोग का शेडिंग बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, तो हम तो बोलेंगे जो जिसके पास टाइम हो ठीक से मेंटेन करने के लिए, उसका इच्छा हो फील हो, तो इसको दिन में दो बार ग्रूम करना चाहिए। अच्छा, स्नीकर ब्रश हो या दूसरा कोई फोम हो, उसे दिन में दो बार इसको। अच्छा, और जो आपका पाक थोड़ा सा बल्की हो जाता है, वेट हेवी और ओवरवेट हो जाता है, तो उसका वेट रिड्यूस करने का कुछ तरीका है? अभी तो रॉयल कैनिन का वेट रिड्यूस फूड, वेट मेंटेन करने के लिए फूड निकला है, तो ओबेसिटी फूड बोलता है उसको, वो आप दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, खाना थोड़ा सा कम करके देना होगा, ओबेसिटी फूड से वेट कंट्रोल में आ जाएगा। जी, रॉयल कैनिन का भी है, एनएनडी का भी है, पार्टनर का भी है। और दादा, ये जो फूड आप बोल रहे हो ये बहुत ही महंगा है, और ये फूड सब लोगों एफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसे मतलब होममेड ऐसा कुछ है क्या, मतलब टुटका है जो मतलब हर कोई एफोर्ड कर सके? राइट, आपको फास्ट और उसको कार्बोहाइड्रेट कट करना पड़ेगा, उसका फूड से कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस नहीं दे सकते आप, मिल प्रोडक्ट तो हम बोला है आपको देना ही नहीं चाहिए, आप राइस कर जाएगा वो आप डालिया दे सकते हो, उसका फूड कम करके दे रहा हूँ एकदम, आप चिकन के साथ डालिया मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन कम करके देने से उसका उस टाइम क्या होगा, उसको आपको वॉक करना पड़ेगा, जो मेन जो है एक्सरसाइज। अच्छा, वॉक का जरूरत है, आप जितना भी उसका फूड काट कीजिए, अगर आप डॉग को एक्सरसाइज नहीं दीजिएगा तो ओवरवेट होगा ही। अच्छा, एक्सरसाइज मस्ट। एक पाक को वर्कआउट कितना कराना चाहिए पर डे? वर्कआउट ये डिपेंड कर रहा है, सब डॉग एक किस्म का वर्कआउट एक टाइम का वर्कआउट नहीं ले सकते, जैसे मेरा ये डॉग 30 मिनट्स वर्कआउट ले लेता है, मेरा हाथ में दूसरा पाक भी है जो 15 मिनट के बाद ही उसको वो थक जाता है और नहीं चल सकता। अच्छा, लेकिन ये क्यों आपका क्वेश्चन हुआ, तो ये 30 मिनट्स कैसे ले रहे हैं, तो ये टोटल डिपेंड कर रहा है आपका रेगुलर प्रैक्टिस का ऊपर, अगर आप बचपन से इसको एक तो एक्सरसाइज के अंदर रखते हो तो ये बाद में जाके 25 टू 30 मिनट्स एक्सरसाइज ले रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग शो के लिए जब ये रेडी करते हैं कोई भी आपका पाक को, तो ये बचपन का हैबिट के वजह से वो शो में चल सकता है? एकदम, हम लोग आफ्टर 6 मंथ्स ये लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, पहले हम लोग इन लोगों को रिंग प्रैक्टिस करते हैं, डॉग शो में जैसे रिंग कर दिया जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज देते हैं। अभी हम लोग जैसे हम क्या करते हैं, दो टाइम स्लॉट भाग कर अलग कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है हम मॉर्निंग में लोग एक्सरसाइज देते हैं, सेकंड जो है हम लोग इसको रिंग प्रैक्टिस करते हैं धूप का, क्योंकि हम लोग का डॉग शो मैक्सिमम सनलाइट पे होता है।
तो एक्सरसाइज एकदम अर्ली मॉर्निंग करते हैं क्योंकि सनलाइट में तो ये लोग एक्सरसाइज नहीं ले पाएगा, तो इसलिए हम लोग एक्सरसाइज हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं। अच्छा, तो ये जब इन लोग का कुछ फास्टिंग भी आप लोग कराते हो क्या डॉक्टर? हम कुछ फास्टिंग नहीं करते, हम नॉर्मल डाइट देते हैं और एकदम क्लीन डाइट देते हैं, ज्यादा खाना भी नहीं देता कम भी नहीं देता। अच्छा। और हम रेगुलर इसका बॉडी वेट चेक करते हैं, एवरी 15 डेज हम इसका बॉडी वेट चेक करते हैं। और मान लो आज अगर शो है तो आज मतलब खाना खिला के आप शो में ले जाते हैं? हाँ, जो है हम लोग सेम डे जिस दिन शो है उस दिन फुल डाइट नहीं देते हैं, जस्ट एम्प्टी स्टॉमक के नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फूड दे देते हैं एंड डॉक्टर ग्राउंड में हम लोग फैली गाइस देते हैं। अच्छा, वो क्यों देते हैं आप? क्योंकि उसका एनर्जी लेवल को थोड़ा सा हाई करने के लिए। अच्छा, और समर में अगर शो होता है तो इसको आइस पैक दिया जाता है कूल रखने के लिए। हम जैसे इसको अपना गाड़ी में एसी ऑन करके इसको गाड़ी के अंदर ही रखते हैं क्योंकि हम लोग क्लाइमेट बहुत हॉट है, तो एसी ऑन करके रखते हैं शो ग्राउंड के बाहर। तो दादा, ये जब एसी में रखते हो मतलब एसी से फिर निकल के जब गर्मी में आता है तो वो जो क्लाइमेट का चेंजेस होता है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आता? ये आता है हैबिट का बात। अच्छा, ये लोग पहले से जब पापी स्टेट से जब सो में जाता है ना, ये एक हैबिट हो जाता है। अच्छा अच्छा, कभी कभी स्नीजिंग होता है तो उसके लिए आपको दवाई देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, और आपका फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये पार्क क्या सुटेबल है? देखिए, पार्क सबके लिए सुटेबल है। हाँ। लेकिन इसके जो मेंटेनेंस है ये मेंटेन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पार्क बहुत अच्छा ब्रीड है, वेरी नाइस टेम्परमेंट, और बच्चे लोगों के लिए तो बहुत एंटरटेनमेंट ब्रीड है। जैसे मेरा बेटी का तो उसका पसंद ही है पार्क, उसी का नाम वही इसका नाम दिया है डोरेमोन, इसका नाम है सैंसुई डोरेमोन, उसका फेवरेट ब्रीड है इसलिए इसका नाम दिया। तो बच्चे लोगों के लिए पार्क बहुत अच्छा है, वेरी प्लेफुल डॉग, वेरी एनर्जेटिक एंड थोड़ा सा मेंटेनेंस है। लेकिन दादा, एक्चुअली क्या है, देखा जाए पग तो हम वो नहीं बुला हुआ तो सबके साथ एडजस्ट कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इंडिया में कोई भी डॉग कोई अगर नया ओनर लेता है तो वो डॉग ब्रीड के ऊपर स्टडी नहीं करता है। यही गलत, हम सजेस्ट करते हैं कोई भी डॉग ओनर, न्यू डॉग ओनर अगर कोई भी ब्रीड चूज कर रहे तो उसको चाहिए पहले वो ब्रीड के ऊपर स्टडी कर ले। इसका क्या मीनिंग है? अभी तो इंटरनेट में सब कुछ दिखाई देता है, गूगल में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप पार्क लेना चाहते हैं पार्क के बारे में सर्च कीजिए, इसका क्या मेंटेनेंस है, क्या क्वालिटी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कोई भी न्यू डॉग ओनर अगर डॉग लेते हैं पहले उसको ब्रीड लेके स्टडी कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई ऑथेंटिक ब्रीडर से ही पापी लेना चाहिए जो केसीआई का पेपर फॉलो अप करते हैं, जो प्रॉपरली पेडिग्री पे फॉलो लाइन फॉलो अप करते हैं, उसी से ही पापी लेना चाहिए। अच्छा, और अगर मान लो मैं मेरे को पाग में कुछ जानकारी नहीं है, मैं आपका वीडियो देखे चाहे आपका कुछ पोस्ट पोस्ट देखे, उसके बाद अगर आपसे मैं अगर लेना चाहता हूँ तो आप लोग आपसे जो जो लेता है पाग तो आप वो कस्टमर को पूरा गाइड करते हो? मेरे पास से जो पापी लेता है हम उसको पूरा फॉलोअप गाइड करते हैं, उनको हम बोल ही देते हैं जब पापी ले जाने के बाद ऐसा ना हो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट हमको कॉल कीजिए। वैक्सीन वगैरह ऑलवेज डॉक्टर से करवाइए। हाँ, कोई भी बोले जो आप ये हम वैक्सीन दे देंगे एकदम नहीं, थोड़ा वेटरिनेरियन से अच्छा वेटरिनेरियन से आप उसको वैक्सीनेशन करवाइए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉलेज का जरूरत है तो हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं। अच्छा, ड्यूंगी मेरा 30 इयर्स जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हम चाहते हैं सबसे शेयर करें, मेरे वजह से अगर किसी को हेल्प हो जाए, मेरे वजह से कोई एक तो जो इसको जान है उसका कोई हेल्प हो जाए, हम ऑलवेज इसको सपोर्ट करते हैं। और दादा, इंडिया में एक अच्छा ब्लड लाइन का पग ठीक है जो शो क्वालिटी हो तो वो कितना प्राइस के भीतर स्टार्ट होता है? देखिए, प्राइस कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई बोथ साइड इंपोर्टेड का बच्चा बोलेगा 60,000 तो बोल सकते हैं, प्राइस डिपेंड करता है पेडिग्री के ऊपर। अच्छा, अगर कोई अच्छा डॉग इंपोर्ट किया बोथ साइड अच्छा ब्लड लाइन है तो 60,000 टू 1,00,000 रुपया मांग सकते हैं। अच्छा, तो उसका वैल्यू 1,00,000 रुपया ही होगा। अच्छा, लेकिन उसका डिपेंड करता है प्राइस पेडिग्री के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, ये सबसे आपका जानना जरूरी है। हम भी तो बोल सकते हैं हम इंग्लैंड से डॉग लाए हैं, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा मेरा बारे में थोड़ा पूछताछ कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जो मिस्टर सोमनाथ दे हमको 1,00,000 रुपया कोई डॉग का पापा उसका नाम बोल रहा है, वो बोल रहा है उसका फादर इंग्लैंड से आया है, मदर यूएसए से आया है, तो इसको आपको थोड़ा पूछताछ कर लेना चाहिए, चेक करना सही है कि नहीं। जी 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 जी, और आपका ये पाग में कलर का वजह से कुछ प्राइस का कुछ डिफरेंस आता है? देखिए, पाग में तो दो कलर होता है, एक फॉन कलर होता है, एप्रिकॉट कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। अभी एप्रिकॉट तो कोई बोलता नहीं है, सब फॉन ही बोलता है। तो ब्लैक एंड फॉन, तो ब्लैक थोड़ा सा रेयर है, थोड़ा सा किसी के पास ब्लैक पापी हो थोड़ा सा रेट ज्यादा बोलता है, और फॉन पापी तो टोटल प्राइस डिपेंड करते हैं पेडिग्री के ऊपर, ब्लड टाइप के ऊपर। अच्छा, तो दादा आज आप लोग इतना बिजी शेड्यूल में हम लोग को टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद करते हैं शो में आपका डॉग बहुत नाम कमाए और आपका कैनल पूरा इंडिया में फेमस हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा।